तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड बाजार में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी और फिल्म वॉर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इन दोनों फिल्मों को हो चुके हैं टोटल 23 दिन रिलीज किए गए, और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी फिल्म ने मार ली है बाजी और कौन सी फिल्म निकल चुकी है आगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पहले बात करें फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी की। तो जैसा कि आपको पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने, वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रामचरण ने। आपको बताते चले, इस फिल्म के अंदर आपको चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, किच्चा, सुदीप, तमन्ना जैसे बड़े बड़े कलाकार दिखे थे। साथ ही साथ अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो काफ़ी ज़्यादा बजट था इस फिल्म का, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो VFX वगैरह जो डाला गया था वो सबसे बेहतरीन था, और वही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा दर्शकों को पसंद आई। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया गया है। दोस्तों, पहले दिन यानी कि डे 1 को फिल्म का कलेक्शन 62 करोड़ यानी कि 62 करोड़ रुपीस का था। बात करें दोस्तों अगर आज के कलेक्शन की डे 23 की, तो आज इस फिल्म का कलेक्शन है 1 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपीस का कलेक्शन है इस फिल्म का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के टोटल कलेक्शन की, तो फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 23 दिनों में 185 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी कि 185 करोड़ 10 लाख रुपीस। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म का कलेक्शन हो चुका है 242 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी कि 242 करोड़ 60 लाख रुपीस। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं फिल्म वॉर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, वहीं इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म ने धमाका मचाया। साथ ही साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने, और यशराज बैनर्स के तले ये फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन ने कबीर की भूमिका निभाई थी, वहीं टाइगर श्रॉफ ने खालिद की भूमिका निभाई थी। बात करें वाणी कपूर की, तो वाणी कपूर जो है वो थोड़ा बहुत मतलब इस फिल्म के अंदर दिखी थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं थी वो, मतलब थोड़ा सा उनका सीन था, बस इतना ही था। अगर बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की, तो पहले आपको बता दें कि इस फिल्म का जो बजट है वो 200 करोड़ का है। वहीं फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। दोस्तों, बात करें पहले दिन के कलेक्शन की यानी कि डे 1 की, तो फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन था 53 करोड़ 35 लाख रुपये, यानी कि 53 करोड़ 35 लाख रुपीस। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो फिल्म है इसने कम कलेक्शन किया अगर कंपेयर करें दूसरे फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी से। तो पहले दिन अगर बात करें डे 23 की यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आज ये फिल्म 1 करोड़ 70 लाख यानी कि 1 करोड़ 70 लाख रुपीस का कलेक्शन है। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के टोटल कलेक्शन की, तो टोटल कलेक्शन हो चुका है 23 दिनों में 309 करोड़ 45 लाख रुपये, यानी कि 309 करोड़ 45 लाख रुपीस। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म का कलेक्शन हो चुका है पूरे दुनिया में 458 करोड़ रुपये, यानी कि 458 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, अगर कंपेयर करें दोनों फिल्मों की, तो कहीं ना कहीं जो फिल्म वॉर है वो निकल चुकी है आगे, क्योंकि जहां पे फिल्म वॉर का कलेक्शन 400 यानी कि 450 कलेक्शन पार है, करोड़ रुपए पार है, वहीं अगर बात करें फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी की, तो उसका अभी कलेक्शन 300 करोड़ के पार नहीं गया है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, सायरा नरसिम्हा रेड्डी या फिर वॉर। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।